हाँ दोस्तों, मैं हूँ स्वरूप और आप लोग देख रहे हैं बलराम डिजिटल के चैनल। इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ काली मिर्च, जो गुल मिर्च है उसके बारे में। दोस्तों देखिए, काली मिर्च जो फलने का है वो दिन आ चुका है, और मैं इससे पहले आप लोग को काली मिर्च दिखाया था, जो बड़े बड़े था वो दिखाया था, उसका फल तोड़ने का टाइम आ गया था तब दिखाया था। देखिए दोस्तों, ऐसे काली मिर्च रहता है, और जब बिल्कुल काली मिर्च छोटा रहता है तो कैसा रहता है देख लीजिए आप लोग। ऐसा इस बार भी कुछ ज़्यादा फल नहीं आया हुआ है इस पेड़ में। देखिए बेल है दोस्तों, मैं पेड़ बोल दिया। देखिए ऐसा हुआ है, और ख़ास करके ये वाला इसमें दिखाता हूँ मैं, इसमें कुछ फल आया हुआ है देखिए। और दोस्तों, ये जो गांव में जो है काली मिर्च की खेती जो करते हैं, वो आप कैसे लगाएंगे उसके मैं पौधा लगाने का तरीका बता देता हूँ। अगर यदि आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, वैसे आपको पॉलीथीन में जो आपको चारा मिलता है बनाया बनाया हुआ, वो सब आपको बनाना नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको जैसे पान रोपते हैं ना आप, खाने वाला पान, वैसे ही आपको लगाना है इसको भी। चलिए मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, जब आप देखेंगे काली मिर्च हो चुका है, और उसके जड़ में, किसी की जड़ में ही आप काली मिर्च लगाते होंगे, तो उसके जड़ में क्या होगा दोस्तों, देखिए ऐसा ऐसा काली मिर्च का पौधा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर हो चुका है, मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको कैसे इसको आपको लगाना है काली मिर्च। देखिए ये काली मिर्च का पौधा है, तो देखिए इसका जो रूट है यहाँ पे है, इधर गया हुआ है ना, बेल है दोस्तों। और देखिए इसको भी दिखा रहा हूँ आप, जैसे कि इसको आप ले लेंगे, ये एक अच्छा खासा पुष्ट रिष्ट पुष्ट है ये पौधा है, काफ़ी अच्छा रहेगा इसको रोपेंगे तो, बोएंगे तो। देखिए ये भी एक हो चुका है, तो मैं ये दोनों को दिखा देता हूँ आपको। देखिए काली मिर्च, ये एक पौधा है और एक ये है, तो इसको आप यहाँ से, बारिश के मौसम में, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, आप बो सकते हैं इसको। इसको आप यहाँ से इसको उखाड़ लेंगे यहाँ से, और किसी पेड़ के नीचे जाकर लगा देंगे, और वैसा ही पेड़ के नीचे लगाएं जो पेड़ आपका बहुत दिनों तक रहे, 100 100 साल तक रहे। जैसे कि देखिए ये चलता का पेड़ है, इसमें लगाया हुआ है, ये चलता के पेड़ में हो चुका है, देखिए ऊपर तक गया हुआ है। देखिए इसमें काफ़ी फल भी आया हुआ है। और देखिए लीचू के पेड़ में लगाया हुआ है, तो लीचू के पेड़ में अभी होने वाला है देखिए। और जो मैं आपको बताया कि उस आपका पेड़ के नीचे जो पौधा हुआ होगा, ऐसा चारा बन जाता है, ये चारा आप उखाड़ कर इसको किसी पेड़ के नीचे जाकर लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए ये है अपना एक जंगली सुपारी है, बेटल नट, उसके उसी पेड़ में लगा हुआ है, काफ़ी दिन रहता है ये पेड़। देखिए सागवान के पेड़ में दिखाता हूँ आपको कैसे सागवान के पेड़ में हो चुका है। देखिए इधर इतना सारा चारा हुआ है, कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं आप लोग। ये सब काली मिर्च का पौधा है दोस्तों। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर चारा बेचना पड़ता है तो इसको उखाड़ कर एक पॉलीथीन में डाल देते हैं, चारा बन जाता है इस बेल से। देखिए काफ़ी हो चुका है, और देखिए सागवान के पेड़ में हुआ है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए, ताकि आगे जाकर मैं और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगा। देखिए दोस्तों ये आम का पेड़ है, और सीधा हो चुका है आम का पेड़, और इसमें पूरा ऊपर तक गया हुआ है जो है काली मिर्च, ऊपर तक गया हुआ है काली मिर्च का बेल। ओके दोस्तों, चलिए ऐसे ही कुछ वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।